हमें ऐसे लगता है कि उसने रफीक रिक्शा वाले के साथ शादी की है, लेकिन इस बात का हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है अब तक। लेकिन थोड़ी देर में होंगे, वो रमणीक फोटो लेके आता ही होगा। मतलब आप जानते हैं कि आपके घर में धोखा दिया जा रहा है? जी हाँ, और मुझे ये भी पता है कि मेरे परिवार में ये धोखा कौन दे रहा है। कौन? मेरी बेटी उर्मिला। फिर से नाराज हो गए, अब धोखे में क्या खराबी है? डैड, कहीं वो किसी और धोखे की बात तो नहीं कर रहे? ऐसे असंस्कारित परिवार के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लोखंडे जी मेरी बात सुनिए, लोखंडे जी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम वो धोखा नहीं, हम ये धोखा देते हैं। बाबा, उर्मिला थोड़े पैसे कमाने के लिए ना कभी कभी लोगों के घरों में जाके धोखा बेचती है, इसीलिए पिताजी ने कहा कि उर्मिला सबको धोखे धोखे देती है। हाँ गोलकंडा जी, लोखंडे जी, हम बुरे काम की सराहना कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये बात तो सच है ना कि आपकी बेटी हर रात सबकी आंखों में धूल झोंककर कहीं चली जाती है, सुबह वापस आ जाती है और ऐसे दिखाती है जैसे रात भर वो घर में थी। बोलिए प्रेमचंद जी, क्यों ये बात भी आपको मालूम नहीं है? दाइमा, आपको तो पता ही होगा ना, आपने खुद ने दो बार झूठ बोला है उर्मिला बहन को बचाने के लिए, और फिर भी आप कह रहे कि हम यहीं पे रह जाएं। अब हम यहां नहीं रहेंगे। एक मिनट लोखंडे साहब, उर्मिला बिचारी रात को कहां जाएगी? हाँ, हो सकता है आपने कि हारामणिक दरवाजे तक आ। चाचा जी, अभी पता चल जाएगा कि उर्मिला बहन रातों को छुप छुप के कहां जाती है। ये लीजिए काका फोटो, खुद खोलिए और सारे परिवार को दिखाइए। ठीक है, जाते जाते लगे हाथ आपके साथ रिश्ता तोड़ने की सफाई भी देके जाते हैं। तुम तो कह रहे थे कि ये रफीक रिक्शा वाले के साथ उसके ससुराल जाती है। हाँ? क्या? लेकिन ये तो किसी ऑफिस की फोटो है। ये मेरा ही ऑफिस है, कॉल सेंटर। मैं रोज रात को यहीं काम करने जाती हूँ। पिताजी, मैंने आप लोगों से ये बात छुपाई, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ।
रात को यहाँ पे काम करने जाती हो? हाँ भाभी, मैं जय भाई से बहुत प्यार करती हूँ। पता है, बचपन से लेकर आज तक मेरे हर जन्मदिन पर ना जय भाई मुझे कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देते हैं। और अब जब जय भाई की सगाई होने वाली है तो मैंने सोचा मुझे भी तो उन्हें कोई तोहफा देना चाहिए। हाँ। है ना भाई? लोखंडे भाई। हाँ। मैंने आपके लिए कुछ तोहफा लाया है। और भी है? हाँ। अच्छा, ये। अरे वाह, चॉकलेट, सोने की चीजें, बिस्किट, अंगूठी। हाँ, देखो ना। उधार पर ली है मैंने, इसलिए उधार चुकाने के लिए मैंने कॉल सेंटर में नौकरी की। लोखंडे। ये बात कोई नहीं जानता था सिवाय दाई माँ के, इसलिए उन्होंने मेरा साथ दिया, है ना? भाई के प्यार में बहन ने कितना अच्छा काम किया है, मेरे तो आंखों में पानी आ गया। कृपा करके ऐसे मत देखिए और शर्मिंदा मत कीजिए। हर बार इस गधे की बात में आ जाता हूं मैं। पर काका, इस बार तो हम चुप। बहन से माफी मांग। अरे नहीं नहीं, अरे भाई। बेटा, तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा हमने। भाई के लिए इतना प्यार, ये देख के तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। बेटी, मुझे भी माफ कर दो। अरे नहीं नहीं अंकल, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप बड़े हैं, ऐसे मत करिए। हाँ सॉरी। इट्स ओके भाभी, इट्स ओके। प्रेमचंद जी, असल में इस आम की टोकरी में जिस आम को मैं सबसे खराब समझ रहा था वही सबसे मीठा निकला। अच्छा, आपने आम खा लिया? मीठा भी था। अगली बार खाओगे ना तो मुझे भी थोड़ा दे देना। हाँ बहन जी, मजा किया है। कभी भी, कभी भी। बचा लिया हम सब लोगों को, लोखंडे जी से बचा लिया। बेटा तुमने हम सबको बचा लिया। अरे लेकिन एक मिनट, पहले कोई मुझे समझाओ कि ये सब हुआ कैसे। हाँ? देखो, वो फोटो वाला सुधाकर का आदमी था, बराबर है। अरे मेरा मतलब है कि तुम उससे कब मिली, ये फोटोज का झोल तुमने कब किया, और ये सब करने के लिए उसने कितने पैसे लिए होंगे तुमसे? मैंने उस आदमी को कोई पैसे नहीं दिए। तो फिर दीपक, डोंट टेल मी दीपक, तू एक और बार। ओ भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने कुछ नहीं किया तो फिर किया किसने? अरे वो ऑफिस के फोटोज, वो ऑफिस में काम करने वाले इतने सारे लोग। जय भाई, वो फोटोज में ऑफिस में लोग, वो सब नकली नहीं है, सब असली च है। मतलब मैं रोज रात को सच में कॉल सेंटर में नौकरी करने को जाती है। क्यों क्यों बेटा? सब लोग की किस्मत में नहीं होता है कि नकली गरीब बनकर अपने खुशियां ढूंढे। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच में अपनी गरीबी में ना खुशियां ढूंढ लेते हैं, और मैं भी उनमें से एक है। मैं और मेरी फैमिली सच में बहुत गरीब है, करना पड़ता है उनके लिए, पैसे की जरूरत है ना मेरे को। जय भाई, मेरा प्यार भी आप लोगों के लिए असली है।
मिनट पतली है मगर असली है अब मेरी सगाई कोई नहीं रोक सकता एक बहन की कमी थी आज वो भी पूरी हो गई क्यों डैड पूरी ये लड़का देखिए ये कैसा रहेगा सुषमा के लिए काका को पीछे खड़े रहकर कर रहा है तो काका को पसंद नहीं आएगा ये तेरे काका की पसंद के बारे में तुझे बहुत पता है हाँ काका की पसंद मैं उनसे भी अच्छे से जानता हूँ अच्छा तो फिर उनसे मेहनत क्यों करवाता है तू ही एक लड़का चुन ले चाचा जी आपका फोन आ रहा है जी हेलो मैरिज ब्यूरो हाँ जी हाँ जी मैंने ही दो बार फोन किया था आपको लड़के चाहिए कितने अरे भाई सामूहिक विवाह नहीं करना है हमें एक ही लड़का चाहिए दो रोटी मैरिज ब्यूरो से फोन आया है अशोक लंच होम से नहीं नहीं चाचा जी मैं तो ये कह रहा था कि उनसे कहिए जो लड़का दो रोटी खाता हो वैसा ही चाहिए जो दो जोड़ी कपड़े में मानता हो वैसा ही चाहिए वरना काका नाराज हो जाएंगे और हाँ गरीबों की इज्जत करता हो वैसा ही लड़का चाहिए समझ गए सुधाकर जी बोलिए ना पिताजी हल रख दिया इसने सब कुछ सुन लिया और फोन ही रख दिया वैसे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग इतनी चिंता कर रहे कितनी मेहनत कर रहे आपकी शाली साहिबा सुषमा दीदी के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढने के लिए बेटी है ना बेटा चिंता तो होगी ही सुधाकर भैया आप अभी भी यहीं हो बाबा ने आपको नीम के पत्ते लाने बोला था ना बादाम खाइए सुधाकर जी जाइए 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 वाह बड़े जोरों शोरों से लड़के देखे जा रहे हैं सुषमा के लिए अब क्या करे तुम्हारी बहन सुषमा के लिए चिंता तो करनी पड़ेगी ना सुषमा की चिंता या खुद की अच्छा ये देखो बाबा को ना ये फोटो मिले शायद तुमसे छूट गए होंगे बाबा को ना ये लड़का सुषमा के लिए बहुत पसंद आया है जरा देखो ना तुम इसके बारे में कुछ पता कर सकते हो क्या ठीक है करता हूँ सुधाकर भी थोड़ी मदद कर दो देखो क्या ये अभी भी ओए क्या हुआ दीपक उसने भोजपुरी फिल्म के लिए ऑडिशन दी थी डैड किसान का रोल करा था ये तस्वीर उनके पास कैसे पहुंच गई इसी गधे से गलती से गिर गई होगी लेकिन अच्छा काम हो गया लोखंडे जी ने दीपक की फोटोग्राफ देख ली और लोखंडे जी को दीपक पसंद आ गया डैड अरे लेकिन इसके गले में घंटी बांधेगा कौन आप चलो बहुत हो गया एक बार देख लेता हूँ स्क्रिप्ट में लिखा क्या है ये दीपक भी ना जितना लोखंडे जी से दूर भाग रहा है उसकी किस्मत उतना ही उसे लोखंडे जी के नजदीक लेके आ रही है अगर देवा 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 आता काय करना लोखंडे जी को दीपक की फोटो तो पसंद आ गई अपनी बेटी सुषमा के लिए लोखंडे जी को मेरी फोटो मिली कैसे अच्छा पर दीपक को तो सुषमा एक आंख नहीं भाती है एक आंख नहीं भाती क्यों उसकी दोनों आंखें तो ठीक है काश आपकी भी आंखों के ऊपर का एरिया ठीक होता एक्सक्यूज मी मेरे आंखों का ऊपर वाला एरिया एकदम ठीक है
मेरे आईब्रोज को देखो कितने वेल शेप्ड है। अगर देवा देखो जब तक सुषमा के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता लोखंडे जी को, तब तक हमारे जय की भी सगाई अटकी रहेगी। ए, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना अपन दीपक को धतूरा सुंगा दे। पर धतूरा सुंगाने से होगा क्या? नशा होगा नशा। पता है मेरे गांव में ना एक लड़का था जिसको शादी नहीं करनी थी, तो उसके माँ बाप ने ना उसको धतूरा सुंगा के नशा करा करा के उसके ना फेरे करवा दिए। क्या बात है, मतलब दीपक को शादी का नशा नहीं तो क्या हुआ, नशे में उसकी शादी तो हो सकती है। Not a bad idea. ये लोग तो जबरदस्ती पे उतर आए हैं। दीपक तिजोरी, इससे पहले ये लोग धतूरा खिला के तेरे हाथ पीले करे, कुछ कर, तुझे उस मोटी से शादी नहीं करनी है। बाबा, आपको ये ही लड़का पसंद है ना? पक्का? एक बात है, किसी का चेहरा देख के ही मुझे पता चल जाता है उसके पीछे की अच्छाई क्या है और सच्चाई क्या है। वो तो है, वो तो है। पर हमारी तो नहीं पता चली आपको। अरे जी जी, माँ कह रही है कि सच्चाई अच्छाई ये सब तो धीरे धीरे पता चलती है ना पिताजी। हाँ ऑफ कोर्स, अब जय की माँ को भरता पसंद नहीं है, लेकिन उसका चेहरा देखकर आप ये नहीं बता पाए ना। हाँ लेकिन मेरा चेहरा पहली बार देखते ही काका ने पहचान लिया था, मुझे कहा था तू बहुत अच्छा सेवक बनेगा। आपका चेहरा देखकर तो मेरे मन में भी बहुत ख्याल आते हैं सुधाकर जी, लेकिन वो मन में ही रह जाते हैं। तो बेटे, हाँ, अब ये लड़का तुम्हारा दोस्त है, तुम पहचानते हो उसे? जी जी, बहुत ही होशियार अच्छा और नेक लड़का है। जैसा दिखता है बिल्कुल वैसा ही है। तो फिर उसे बात करके बुला लो। बुलाता हूँ। जय। ये अमीर बनकर क्यों आया है? पता नहीं डायरेक्ट, पता नहीं। दीपक। जय मेरे भाई मेरे दोस्त, दूर रह, हाथ फैला, इसका मतलब ये नहीं कि गले पड़ो तुम। मैं अब अमीर हो चुका हूँ, अमीर। अमीर? दीपक ये सब क्या है? और ये भाड़े के हैं बाबा, ये कपड़े भाड़े के ना? भाड़े के कपड़े पहनता होगा तू। मैं अब अमीर बन चुका हूँ, अमीर, और मैं यहाँ पे तुझे अमीरी की बू सुंघाने आया हूँ। बू? दीपक ये सब सुन ये ले। एक आप भी सुन। अरे दीपक क्या कर रहा है यार, क्या मजाक है ये? मजाक नहीं है, अब मैं वो गरीब नहीं रहा, मैं अमीर बन चुका हूँ, अमीर, बहुत अमीर, इतना अमीर कि तुम गरीबों को पैसे गिनते गिनते इजी। जब एक अमीर बोल रहा हो तो बीच में गरीब को नहीं बोलना चाहिए। ए छुट्टा नहीं चला, देख मेरे काका को एक भी शब्द बोला ना तो। चले काका को एक शब्द क्या, मैं दो शब्द भी नहीं बोलूंगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास गरीबों से बैठ के बातें करूं, और तुमसे भी नहीं, समझा? अब मैं दो वक्त की दो रोटी नहीं 10 रोटी खाऊंगा। 10 क्यों, मैं 100 रोटी खाऊंगा और 100 जोड़ी कपड़े पहनूंगा। तो निकलो यहाँ से। प्रेमचंद जी, इसलिए मैं अमीरों से नफरत करता हूँ, ये अमीर बनने के बाद दोस्तों को भूल जाते। निकल जाओ यहाँ से। चक्का चल फिर बाबा, गाली दिया। अंग्रेजी बोल रहा है, रख। सुधाकर, इधर एक पैर कम है जो उनका भी बढ़ा रहा है। तुम तो वही हो ना जिसकी बेटी का रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि इस जन्म में तो ये शादी नामुमकिन है, क्योंकि अमीर एक गरीब की बेटी से शादी कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, समझे आप? जय। हाँ हाँ, इसे बोल फौरन यहाँ से निकल जाए, वरना मैं अभी चल यहाँ से, चल चल दीपक, चल।
चेहरा तो आपको याद रहेगा ना, दीपक तिजोरी, अमीर दीपक तिजोरी। निकल जाओ यहाँ से, चल चल निकल जाओ। मैं तुझे तेरी अमीरी मैं निकालता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.